नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल के अंदर जो ये ग्रीन कलर की ये बड़ी सी चीज आपको दिख रही है, ये क्या है, क्या होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या इसको हम लोग मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं। आप बताते हैं कि मोबाइल के अंदर जो प्लेट होती है, प्लेट बोलते हैं मदरबोर्ड या पीसीबी, ये किस चीज की बनी होती है, कौन कौन सी चीजें इसपे इस्तेमाल की जाती है और इसपे क्या क्या है। इसमें तुमने आपने देखा होगा बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, ठीक है। ऊपर से ये ग्रीन कलर की पेंट होती है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक कंडक्टर मतलब चालक, नंबर दो इंसुलेटर मतलब की कुचालक, नंबर तीन सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, चालक कुचालक अर्धचालक, तीन चीजों से ये पीसीबी मिलकर बनी होती है। तो पहले नंबर पर लेते हैं चालक। चालक ऐसी धातु होती है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी कि कॉपर सिल्वर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इसके बाद गोल्ड, एल्युमिनियम, रांगा, इन चीजों से नहीं होती है। कॉपर इसमें यूज किया था अंदर ही अंदर, क्योंकि हमने चार्जिंग पे रिएक्टर पे चार्जर लगाया तो वो यहाँ पे शो करता, ऑन ऑफ वाले बटन दबाए मोबाइल ऑन हो गया, अंदर ही अंदर इसकी सर्किट होती, वायर कनेक्टेड होते हैं, ऑन करने पे वर्क कर देती है। मतलब की ऐसी धातु है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक धातु कहलाती है। उन धातुओं का इसमें यूज होता है कॉपर, एल्युमिनियम और रांगा। नंबर दो इंसुलेटेड मतलब कि कुचालक, ऐसी धातुएं जिनमें विद्युत धारा या ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि लकड़ी, प्लास्टिक, इस तरह की चीनी मिट्टी जो इंसुलेटेड होते हैं। अब इसमें कई जगह पे प्लास्टिक का यूज किया गया है, कनेक्टर के होते हैं प्लास्टिक होते हैं, उसके बीच में एल्युमिनियम के पॉइंट होते हैं, तो प्लास्टिक से क्या होता है कि वो उस चीज को मेंटेन रखता है कि शॉर्टिंग ना हो पाए किसी तरह की और ये अलग भी ना हो पाए, तो कनेक्टर भी वहां पे बना है। अब आते हैं नंबर तीन पे सेमीकंडक्टर, ऐसे तत्व जो विद्युत धारा प्रवाहित होने भी देते हैं और नहीं होने देते हैं, उनसे मिलके बने होते हैं, जो इनके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं, जो इसके ऊपर पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे आईसी है, तो ये सब सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, अर्धचालक की, मतलब कि सिलिकॉन, जर्मेनियम प्लस कार्बन, तीन चीजों के मिश्रण से जो हमारे कंपोनेंट होते हैं मोबाइल के वो बने होते हैं। तो इनमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती भी है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। मतलब कि जब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये कुचालक की तरह काम करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। जैसे इनको हल्की सी हीट मिलती है तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जैसे कि सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं, पेंसिल का, पेंसिल के अंदर आपने एक रॉड देखी होगी जिससे हम लोग लिखते हैं, ब्लैक कलर की होती है, काले अक्षरों से हम लिखते हैं, तो वो कार्बन है, मतलब कि एक सेमीकंडक्टर है। अगर उसकी रॉड निकाल कर उसमें एक तार जोड़ा जाए, इस साइड से एक तार इस साइड से जोड़ा जाए, तो उस पर इस साइड करंट दिया जाएगा, इस साइड नहीं आएगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। अगर हम इसको हीट दे दें बीच वाले पार्ट को, तो यहाँ से करंट तुरंत इधर से निकल जाएगा, मतलब फ्लो हो जाएगा, मतलब कि उसमें करंट फ्लो होता भी है और करंट नहीं भी फ्लो होता है। तो ये तीन चीजों से बनी होती है हमारी पीसीबी मोबाइल की, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि इनके ऊपर जो सेमीकंडक्टर उसका क्या यूज है, कैसे वर्क करता है, कंडक्टर कैसे यूज करता है, इंसुलेटर कैसे वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल की पीसीबी में कुछ कोड लिखे रहते हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है उनका, जिसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग आज जानते हैं। तो मेरे पास एक कीपैड मोबाइल की पीसीबी है, या कोई एंड्रॉइड मोबाइल भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके की पीसीबी है। तो इनमें देखिए, आप यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा आरईसी, यहाँ पे आरईसी लिखा होगा, इसका मतलब होता है रिसीवर, मतलब कि जो हम लोग फोन जहां पे लिखा है एस पी के मतलब कि रिंगर, स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर लगा होता है, यहाँ पे SPK लिखा होता है, ये कोडिंग होती है। इसके बाद जहां पे लिखा होगा M मतलब कि वाइब्रेटर मोटर, वाइब्रेटर मोटर वहां पे लगी होती है। इसके बाद LED, यहाँ पे LED ये लगी टार्च वाली, यहाँ पे LED लिखा होगा पूरा, इस तरीके से हम ये कोडिंग कर सकते हैं। और भी कई तरीके के इसमें पॉइंट होते हैं, जैसे कि RX TX RXD TXD चार्जिंग V बैंड, GND का मतलब नेगेटिव, मतलब कि माइनस, यहाँ पे कई सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इससे कहते हैं इनका मतलब क्या होता है, पॉइंट जो दिए गए हैं GND,
RX का मतलब रिसीव डेटा, RXD का मतलब होता है रिसीव डेटा।